Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू, जो कि हमने क्लास सेवन का साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द पार्ट वन, सो प्लीज चेक इन आवर डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन का लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे आपको पार्ट वन पढ़ने के लिए मिल जाएगा. ये लेसन थोड़ा लेंथी है, आपका बहुत थोड़ा बड़ा है, इसके वजह से पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया. दिस इज द पार्ट टू. इन द पार्ट वन वॉट वी आर लर्न, जस्ट चेक इट. दिस इज द लेसन नंबर वन, द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन adaptations and classifications. It means सजीव सृष्टि में जो अनुकूलन और जो वर्गीकरण है इसके रिगार्डिंग ये है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉट अबाउट दैट अडेप्टेशन इन प्लांट्स, वॉट इज अडेप्टेशन, देन अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, देन अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स, देन अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स, देन अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, and then adaptation for ingestion of food in plants, and we also learn adaptation in animals. So now we are going to learn adaptation in forest and grassland animals. Okay, ki isme hum ye padhenge ki jo bhi jungle mein ya fir hum grassland kya bolenge jahan par zyada ghas, okay, zyada ghas ke jo pradesh hai aur jahan par zyada forest area hai wahan pe jo animals rehte hain लाइक लाइन एंड ब्लैक बर्ग, सो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे कि उनकी अनुकूलता कैसी है, अडेप्टेशन उनकी कैसी है. सो हियर इट इज, कार्निवरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर्स एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर्स देयर प्रे. ओके, कैप्चर्स देयर प्रे. सो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि जो भी एनिमल्स हैं, यानी कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एरियाज में, वहाँ के जो लेट मी टेल यू इन हिंदी कि हम उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, वो वनाच्छादित एवं घास वाले प्रदेश. ओके, फॉरेस्ट यानी कि वनाच्छादित और ग्रासलैंड यानी कि उसको बोलेंगे हम कि घास वाले प्रदेश. यहाँ पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ता, फॉक्स यानी लोमड़ी, टाइगर यानी जो शेर होते हैं, लाइन यानी जो सिंह होते हैं. ओके, इन जैसे मांसाहारी प्राणियों के पैर मजबूत होते हैं और उनके नखर भी होते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड. ओके, दे हैव क्लॉज कि इन प्राणियों के नुकीले रदनक होते हैं और उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं और उनके जो दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं. एंड इससे वो क्या कार्य करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ. सो यहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इनका उपयोग वे कैसे करते हैं, ठीक है. सो लुक एट हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ लायन यानी सिंह और ब्लैक बग यानी सांभर, इसको बोलते हैं हिंदी में. टाइगर्स हैव पैडेड पॉज, ओके, कि शेरों के पैरों के तलुए गद्दीदार होते हैं. ओके, एंड दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली, और जिससे उनकी आहट भक्षों को नहीं होती और वह सरलता से अपने भक्षों को पकड़ते हैं. द आईज ऑफ प्रेडेटरी कार्निवर्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, और मांसाहारी प्राणियों की आंख का स्थान उसके सिर के बाहरी और सामने होता है. एंड इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, और इसी तरह से इसलिए उन्हें दूरी पर स्थित भक्ष्य नजर आ सकता है. तो यहाँ पर दिस इज द प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं जो ये प्रेडेटर्स हैं इनका. प्रेडेटर्स यानी जंगली शिकार करने वाले प्राणी. द आईज ऑफ हर्बिवर्स आर बिलो द फोरहेड ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, और ये जो शाकाहारी प्राणी होते हैं लाइक ब्लैक बर्ग, डियर, ओके, एंड इनकी जो आंखें होती हैं, इनकी आंखों का जो स्थान होता है फोरहेड यानी ये जो कपाल होता है इनका, इनके फोरहेड कपाल के नीचे और बगल में होता है, ठीक है. दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और इस कारण उन्हें बहुत बड़ा परिवेश दिखाई देता है और शत्रु से बचने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है. देयर लेग्स आर लॉन्ग, उनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं. एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स, ओके, और वो अपने पतले पैरों से फिर वो क्या कर सकते हैं, छलांग लगाकर तेज दौड़ पाते हैं. विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टॉकिंग सॉरी टेकिंग लॉन्ग लीप्स,
और वो ऊंचा कूद भी सकते हैं और ज्यादा स्पीड से भाग भी सकते हैं। इनके जो पैर होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसे प्राणियों के हिलने वाले लंबे कान दूर से आने वाली आवाज की आहट भी सुन सकते हैं। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। और ये जो हिरन और सांबर हैं, इनका जो रंग हो परिसर में मिलता जुलता रहता है। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल। और इनके जो टीथ यानी उनके दांत बहुत मजबूत होते हैं, जो वनस्पतियों के तने चबाकर खाने के लिए उन्हें मदद करते हैं। लुक एट हियर, अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। ओके, इट मीन्स कि जो मैंने आपको बताया था कि मरुस्थलीय प्रदेशों के प्राणियों का अनुकूलन, इट मीन्स कि मरुस्थलीय यानी कि हम बोलेंगे उसको रेगिस्तान में जो प्राणी पाए जाते हैं, लाइक डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेवर स्कैसिटी ऑफ वाटर। और ऐसे इलाकों में पानी का बहुत ही अभाव रहता है, स्कैसिटी यानी अभाव होता है। हेंस, और इसी वजह से डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसलिए इनके शरीर में पानी बनाए रखने के लिए वहां रहने वाले प्राणियों की त्वचा थिक यानी मोटी होती है, उनकी चमड़ी मोटी रहती है। और देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल्स। और उनके जो पैर होते हैं लंबे और तलुए गद्दीदार एवं चौड़े रहते हैं, लाइक दिस। ओके, एंड द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। और उनकी नाक पर जो त्वचा होती है उनकी संरक्षक मोड़ होती है। द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। और उनकी जो आई लैशेस यानी पलके जो होती है वो लंबी और मोटी होती है। लॉन्ग यानी लंबी, थिक यानी मोटी। रैट, स्नैक, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स इन डेजर्ट लीव्स लाइव इन डीप बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। रैट्स यानी आपको पता है कि जैसे कि चूहे, स्नैक्स यानी सांप, स्पाइडर्स यानी मकड़ियाँ, लिजर्ड्स यानी कि जो गिरगिट रहते हैं वहाँ पे। सो इन प्राणी ये जो प्राणी है ये जमीन में गहरे बिल में जाकर रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, और वो रात को बाहर निकल कर अपना खाना खाते हैं या फिर उनका सर्वाइवल रात के टाइम में होता है। Adaptation in animals of snowy regions, snow यानी बर्फ, यानी के बर्फाच्छादित या फिर हिम प्रदेशों के प्राणियों में जो अनुकूलन है वो अभी हम पढ़ेंगे। Look at here, reindeer and this is the bear. Okay, animals of snowy regions. From the internet, download images of animals like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky dog and snow leopard. Compare these images with those of similar animals from tropical forest. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको ऑनलाइन इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करने हैं, द एनिमल्स लाइक याक, ओके याक, उसके बाद पोलर बियर जो रहते हैं, ध्रुवीय भालू, व्हाइट फॉक्स सफेद लोमड़ी, सिल्वर फॉक्स जो कि पर्वतीय भेड़ होता है, माउंटेन गोट यानी कि रूपहली लोमड़ी, सॉरी माउंटेन गोट यानी कि पर्वतीय भेड़, और सिल्वर फॉक्स यानी कि वो रूपहली लोमड़ी रहती है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, याक, पोलर बियर मीन्स ध्रुवीय भालू, व्हाइट फॉक्स यानी सफेद लोमड़ी, सिल्वर फॉक्स यानी रूपहली लोमड़ी, एंड माउंटेन गोट यानी पर्वतीय भेड़, और साइबेरियन हस्की डॉग ये वो साइबेरियन हस्की कुत्ता होता है, एंड स्नो लिपर्ड यानी हिम तेंदुआ। सो इनके जो इमेजेस है आपको प्राणियों के चित्रों को इंटरनेट से प्राप्त करके उनमें कंपैरिजन करना है यानी कि तुलना करनी है, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो एनिमल्स यानी कि विषुववृत्तीय वनों के इसी जाति के प्राणियों के चित्रों को इंटरनेट से प्राप्त करके आपको उनकी तुलना करनी है। व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। हाउ इज यूजफुल टू देम, कि जो भी हिम प्रदेश में रहने वाली उपयुक्त सभी प्राणियों की त्वचा पर लंबे यानी के लॉन्ग, थिक यानी घने, एंड व्हाइट जो कि कलरफुल जो बाल होते हैं, तो वो उनकी विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं का उन्हें क्या उपयोग होता है आपको ढूंढ के निकालना है। सो ऑनलाइन आप सर्च करके इसका आंसर ढूंढ निकालोगे। लेट चेक व्हाट इज द नेक्स्ट, इज अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ओके, एरियल एनिमल्स इट मीन्स जो हवा में वायवीय प्राणियों में अनुकूलन। वायवीय यानी क्या है, जो हवा में रहते हैं, ठीक है।
सो कैन यू टेल, क्या बता सकते हो? विंग्स यानी पंख, ठीक है। टैपरिंग स्लेंडर बॉडी, शुंडाकार शरीर, लुक एट हियर। क्लॉज यानी नखरयुक्त पैर, इनके देखे हो नाखून कितने बड़े बड़े रहते हैं। सो अडेप्टेशन इन बर्ड्स में, ये जो बर्ड्स हैं एरियल एनिमल्स, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स? सो रास्ते पर दौड़ने वाले वाहनों और आकाश में उड़ने वाले विमानों की रचना में कौन सा अंतर होता है? द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग, कि पक्षियों का शरीर दोनों तरफ से शुंडाकार होने के कारण उन्हें उड़ते समय हवा का अवरोध नहीं होता। विथ होलो बोन्स यानी के खोखली हड्डियां, और बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स, शरीर पर परों का जो आवरण रहता है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर लेग्स इनटू विंग्स, और उनके जो इन्हें दो ही, पक्षियों को दो ही पैर क्यों रहते हैं, आगे के उनके जो पैर रहते हैं, ठीक है, तो वो पैर, आगे के पैरों का उनका जो रूपांतरण होता है वो पंखों में हो जाता है, और ये पीछे के दो पैर उनको रहते हैं। पक्षियों को चार पैर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि आगे के, यानी कि यहाँ पे लिखे फोर लेग्स, यानी आगे के पैरों का रूपांतर उनका विंग्स में हो जाता है, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतर हो जाना, और जो पीछे के पैर हैं वो उनको सपोर्ट के लिए फिर वो रहते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि शरीर पर परों का आवरण हो, या फिर आगे के पैरों का पंखों में रूपांतरण हो, हॉलो बोन्स खोखली हड्डियां हो, इनसे देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, इनसे उनकी जो शरीर है वो बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट यानी कि बहुत ही हल्का, इससे वो हवा में उड़ सकते हैं। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ एंड्स, कीटकों का भी शरीर शुंडाकार और हल्का होता है, एंड दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लाइक लेग्स, और वो भी पंखों की दो जोड़ियां और छह पतले पैरों के, ऐसी उनकी जो रचना होती है उसके साथ हवा में उड़ सकते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पैटेगियम, ओके, चमगादड़, बैट्स यानी चमगादड़, अपने अगले पैरों के अंगुलियों में पर्दे के कारण वो उड़ सकते हैं। अ थीन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स, ठीक है, उनके जो पैर होते हैं उनमें जो पर्दा होता है उसके कारण वो उड़ सकते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन योर एरियाज, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो आपके परिसर में विभिन्न प्रकार के बर्ड्स, पक्षी और इंसेक्ट्स, कीटक हो गए, सो उनका आपको निरीक्षण करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है कि आपको क्या डिफरेंस उनमें दिखाई देता है। व्हाट इज द नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, जो कि अभी इसको क्या बोलेंगे हम, जमीन पर रेंगने वाले एनिमल्स, ओके, इन द एकदम आसान लैंग्वेज में। ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए, फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थ वर्म्स क्रीप, कि सांप और केचुए, स्नेक्स यानी सांप एंड अर्थ वर्म्स यानी केचुए, अर्थ वर्म्स क्रीप, कि जो ये जो केचुए वगैरह रहते हैं, दूर से निरीक्षण करो कि विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी रेंगना, ठीक है, इसका मीनिंग लिख लीजिए, क्रीपिंग यानी रेंगना, कि वो कौन से अपने शरीर के अवयव का उपयोग करते हैं रेंगने के लिए। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज, क्या इस हेतु कुछ विशेष परिवर्तन उनमें दिखाई दिए गए हैं? नोट एनी सच चेंजेस, अगर आपको कुछ दिखाई देते हैं परिवर्तन को, उसको आप नोट करो, नोटबुक में लिख लो। एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग, यहाँ पे देखो, जो अपने हाउस लिजर्ड यानी आपके घर में जो छिपकली रहती है, गार्डन लिजर्ड यानी कि जो गार्डन में जो गिरगिट रहते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ है, वो अपनी पेशियों का विशिष्ट, वो रेंगने के लिए अपने पेशियों का कैसे उपयोग करते हैं, मसल्स यानी उनकी पेशियां, सिमिलरली, और उसी के जैसे दे शो अडेप्टेशन इन स्किन, और यहाँ पर ऐसा बताया गया उसी के अनुसार कि जो अडेप्टेशन है, जो अनुकूलन है उनके स्किन यानी कि उनकी त्वचा में है, सोल्स ऑफ फीट उनके जो पंजे होते हैं, बॉडी कलर उनकी त्वचा का जो रंग होता है एटसेट्रा, उसमें बहुत सारा अनुकूलन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉड टोज एंड थीन सोल्स वेयर अ स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन, कि जो हाउस लिजर्ड होती है, जो आपके घर की जो छिपकली रहती है, और जो मॉनिटर लिजर्ड और जो बाहर जो गिरगिट रहते हैं, बड़ी छिपकलियाँ रहती है, उनके जो पंजे होते हैं नाखून युक्त एवं पतले होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा स्नेक जो रहता है उसकी स्केली स्किन, स्केली यानी शल्क वाली उसकी त्वचा रहती है, ऐसे उसके त्वचा के ऊपर, स्नेक के देखिए बॉडी के ऊपर यहाँ पे आपको स्केली स्किन दिखाई देती है, जैसे मछली के ऊपर है ना स्केल्स, उस तरह से। रेप्टाइल्स का अर्थ लिख लीजिए कि रेंगने वाले एनिमल्स, ओके। सो नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल,
कि भोजन ग्रहण करने के लिए प्राणियों में क्या अनुकूलन है। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। हर्बीवर्स यानी कि शाकाहारी एंड कार्निवर्स यानी कि मांसाहारी, ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्पेशल अडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजी। इसके लिए विशेष परिवर्तन उनमें होते हैं और वी इस परिवर्तन के कारण वो अपना भोजन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल्स इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन। हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे, पोषण, जो हम आगे जाके आपको एक अभी चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन पोषण, उसमें हम पढ़ेंगे। वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिक, वाइल्ड डिस्कवरी एक्सेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्रॉग्स रहते हैं, मेंढक रहते हैं, स्नेक, सांप, बर्ड्स यानी पंछी रहते हैं, उसके बाद मॉस्किटो जो मच्छर रहते हैं, और जो बटरफ्लाई तितलियां रहती है। ये जो एनिमल्स है कि ये अपने भक्ष्य कैसे पकड़ते हैं और कैसे खाना खाते, कैसे खाके वो जीवित रहते हैं, ये जानने के लिए आपको वाइल्ड डिस्कवरी सॉरी नेशनल जियोग्राफिक वाइल्ड एंड डिस्कवरी चैनल पे आप वो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए कि आपको एक होमवर्क है कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। खुद देख के आपको ये लिखना है। मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताती हूँ। अडेप्टेशन मीनिंग अनुकूलन, एनिमल यानी के प्राणी, एंड यूज ऑफ अडेप्टेशन उस अनुकूलन का वो उपयोग क्या किसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें पहले आपको क्या दिया गया है कि फर्स्ट अडेप्टेशन इज शार्प टीथ। शार्प टीथ का मतलब क्या है कि जो उनके नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। सो एनिमल जो इसका उपयोग करते हैं लाइक लायन एंड टाइगर टू टियर द फ्लैश, ठीक है। सो टू टियर द फ्लैश इट मीन्स कि मांस को फाड़कर खाने के लिए वो अपने नुकीले दांतों का उपयोग करते हैं। एंड द एनिमल नेम ऑफ द एनिमल्स आर लायन एंड टाइगर। ओके, सो सेकेंड इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आपको बाकी का फिर फिलअप करना है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, ओके, बीक यानी चोंच, कि नुकीली लंबी चोच लिख लीजिएगा। सो वो कौन सा एनिमल है, वो उसका उपयोग अपने बीक का कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। शॉर्ट बीक यानी छोटी चोंच, छोटी चोंच वाले एनिमल्स का नाम लिख लीजिए, उनका यूज ऑफ अडेप्टेशन आप लिख लियो ना। उसके बाद लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, लंबी लसीली जीप, वो कौन सा एनिमल है और उसका यूज ऑफ अडेप्टेशन। एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन किनकी है, उनके एनिमल्स के नाम लिख लो और वो उसका उपयोग अनुकूलन का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आपको फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, कि वी कैनॉट इजिली स्पॉट। इसका मतलब है कि परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन की सराउंडिंग्स, जो उनका जो सराउंडिंग्स है, जिस एरिया में वो रहते हैं, सो उसमें जीवित रहने के लिए वो क्या क्या अडेप्टेशन यानी अनुकूलन खुद में करते हैं। सो वी कैनॉट इजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड्स एंड ग्रास हॉपर्स। विभिन्न रंगों के गिरगिट, टिड्डे हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। दे गेट कैंप फ्लैग्ड अमिडस्ट ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये वनस्पतियों पर, घास में या वृक्ष के तने पर रहते हैं। एंड दैट इज बिकॉज देयर कलर ब्लेंड विद दोज ऑफ सराउंडिंग्स। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि उस रंग का वो अपने शरीर पर रहते समय, इन जब जगह पर वो रहते हैं, वनस्पतियों पर, घास पर या वृक्षों के तनों पर, दैट टाइम उनके शरीर का रंग उस स्थान के रंग से मिलता जुलता हो जाता है। changes that take place in the various organs and life process of organisms that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. So, yahan pe diya gaya hai ki change that take place in the various organs and life process of organism ki ये जो उनके शरीर के अधिवास के अनुसार, उनके भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, विशिष्ट परिवेश में जीवित रहने के लिए उनका जो प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व, रिप्रोड्यूस टू परपिटेट यानी के प्रजनन द्वारा खुद का अस्तित्व बनाए रखना, देन फीड यानी के भोजन प्राप्त करना, एंड इनेबल देम टू लाइव कि प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, शत्रुओं से अपनी खुद की रक्षा करना, इन सब कारणों की वजह से वो अपने शरीर के अंगों और क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो वो अडेप्टेशंस हो जाते हैं उनमें, दैट इज वी कॉल्ड द अडेप्टेशंस ऑफ एज पर सिमिलैरिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, इसे सदैव ध्यान में रखो
कि अडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, अनुकूलन ये तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एंड इट इज ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस, यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है. इन द स्ट्रक्चर The thousand years in the structure and appearance of present day animals and animals of thousands of years ago are the adaptations that occurred according to prevailing conditions. कि हजारों वर्ष पूर्व के प्राणी और वर्तमान समय के प्राणियों के शरीर में दिखाई देने वाला परिवर्तन ये परिस्थिति अनुसार होता है, ठीक है, एंड इसे परिस्थिति अनुसार होने वाला अनुकूलन कहते हैं. दैट द अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशंस, इट इज आर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस विविधता की रक्षा करें. ग्रेट साइंटिस्ट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत है ये. लेट मी टेल यू, चार्ल्स डार्विन अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट अडैप्ट देमसेल्व्स टू अ चेंजिंग एनवायरमेंट. चार्ल्स डार्विन इस जीव वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार के प्राणियों तथा न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अनेक प्रकार के वनस्पतियों और प्राणियों का अध्ययन करके यह सुझाव दिया है कि पर्यावरण में सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसे ही जो सक्षम रहेगा वही जीवित बचेगा यह सिद्धांत कहते हैं. दिस इज द डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, एंड दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, ये इनका पहला सिद्धांत है. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, अगर कोई सजीव उसे फायदामंद साबित होने वाली विशेषता लेकर जन्म लेता है और टिक पाता है, दिस चेंज इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो उसकी अगली पीढ़ी भी उसके समान बन जाती है. दिस इज डार्विन सेकंड प्रिंसिपल, यह डार्विन का दूसरा सिद्धांत है, एंड इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं. ठीक है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थियोरीज, द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द सेकंड थियोरी इज नेचुरल सिलेक्शन. दिस इज द पिक्चर ऑफ डार्विन, ओके, चार्ल्स डार्विन. स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स कि सजीवों का वर्गीकरण. व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड, व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड, कि जो सजीव हैं उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्यों किया जाता है. विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वनस्पतियों तथा प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है. लेट्स रिकॉल, चलो थोड़ा याद करो. It is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. कि हमारे आसपास के इस विविधतापूर्ण सजीव सृष्टि के सजीवों का एक ही समय पर अध्ययन करना तथा उन्हें याद करना हमारे वश की बात नहीं है. Classification helps this respect. और यहाँ पे ही हमें ये जो classification यानी के वर्गीकरण यह हमें फायदेमंद रहता है. एंड डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स. आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर वनस्पतियों तथा प्राणियों का वर्गीकरण किया है. अ हायरार्की इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विद किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके लिए वर्गीकरण कोष्ठक क्रम बनाया जाता है, और इसकी शुरुआत प्राणी सृष्टि वनस्पति सृष्टि से होती है, एंड सजीवों के गुणधर्म की मूलभूत समानता और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें मुख्य समूह तैयार करते हैं. फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ओके, उनके मुख्य समूह तैयार होते हैं एंड फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसके वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई एम जस्ट टू टेल यू हायरार्की यानी कि पदानुक्रम, मैंगो यानी आम, ह्यूमन यानी मानव. यहाँ पे देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू, हिंदी में आप इसका मीनिंग लिख लो. हायरार्की यानी पदानुक्रम कैसे लिखना है हमें, किंगडम यानी सृष्टि, फाइलम यानी संघ, क्लास यानी वर्ग, ऑर्डर इट मीन्स क्रम, फैमिली यानी परिवार, जेनस यानी वंश एंड स्पेसिस यानी कि जाति. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू विच टू थिंग्स आर कम्स इन, जैसे कि पदानुक्रम में हायरार्की में मैंगो और ह्यूमन आता है, तो किंगडम में प्लांटी एंड एनिमलिया, फाइलम यानी संघ में एंथोफिलिया एंड कोरदाटा, ओके, क्लास में यानी कि वर्ग में आ जाएंगे डिक्टोलाइडोन एंड ममालिया, ऑर्डर यानी कि क्रम में आ जाएंगे सापिंडल्स एंड प्रीमेट्स, फैमिली यानी कि परिवार में आ जाते हैं एनाकार्डियस एंड होमिनीडिया, जेनस यानी वंश में मैंगीफेरा एंड होमो, एंड स्पेसिस में आ जाते हैं इंडिका एंड सैपिनेस, ओके, सैपियंस. So, इसे कहते हैं वर्गीकरण का पदानुक्रम.
थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई कीजिए पढ़ने के लिए. ओके सो लेट्स चेक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस. कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति इसको बोलते हैं, बायोनोमियल द्विनाम पद्धति, कार्य पद्धति. ठीक है, इमेजिन दैट देयर आर फोर स्टूडेंट्स विद द नेम कबीर एंड किरण इन अ क्लासरूम. कल्पना करो कि कक्षा में कबीर अथवा किरण नाम के चार विद्यार्थी हैं. If you are talking about any of them, how would you find the others know which one of them you are talking about? कि अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हो तो कबीर और किरण आप कैसे पहचानोगे, उनको कैसे पहचानोगे. ओके एंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन और किसी संदेह के बिना वी वुड टेल द फुल नेम. हम उसका पूरा नाम बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. हम उसका पहला और लास्ट वाला नाम बताएंगे. दिस इज सिमिलर टू बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. इसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं. ठीक है, बायोनोमियल सॉरी बायोनोमिनल नहीं है, ये बायोनोमियल है. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म. की प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है. अकॉर्डिंगली इसी अनुसार अ साइंटिफिक नेम हैज बीन असाइन टू ईच ऑर्गेनिज्म. इसी अनुसार प्रत्येक सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. ओके इस नाम में दो संज्ञाएं होती है. द फर्स्ट पार्ट इज जेनस एंड सेकेंड स्पेसिस. पहले पार्ट में तो वंश दर्शाती है और दूसरे पार्ट में वो संज्ञा जाति दर्शाती है. ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइन बाय बाय सॉरी ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइन अ बायनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर. अंतरराष्ट्रीय नामकरण संहिता के अनुसार सभी सजीवों को द्विनाम पद्धति से वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, बायनोमियल. ओके एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पेसिस आर सो सिमिलर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर. एक ही जाति के सभी सजीवों में इतनी समानता होती है कि उनमें जो डिफरेंस होता है कलर में, रंग में, हाइट यानी ऊंचाई, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना इसको कि जो हैबिटेट्स एंड हैबिट्स जो उनके गुणधर्म रहते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, उनकी जो प्रजनन क्षमता है, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स, कि वो प्रजनन क्षमता से वो पुनरुत्पादन कर सकते हैं, अपने जैसा दूसरा जीव बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पेसिस. कि उदाहरण के लिए विश्व की सभी बिल्लियां ये एक ही प्रजाति में आती है. द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक. और यही मुर्गियां, हेन यानी मुर्गियां, काऊ यानी गाय और डॉग यानी कुत्ता, इनके बारे में भी लागू होता है. एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट एंड मेल्स. और जो वनस्पति है कि मैंगो यानी आम, वीट यानी गेहूं, एंड मेज यानी कि मक्का, इसमें भी ये लागू हो जाता है कि इनकी जो इनकी जाति एक ही होती है, एक ही प्रजाति में ये आ जाते हैं, एक ही सेम स्पेसिस में आ जाते हैं. Following are some examples of organisms from kingdom Plantae and Animalia classified by the binomial method of nomenclature. Binomial method of nomenclature, वनस्पति और प्राणी सृष्टि के ये द्विमान पद्धति जो है binomial method of nomenclature, इसके वर्गीकरण के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं. Living things यानी जो सजीव है और उनके scientific name यानी उनके वैज्ञानिक नाम जो है. Dog को क्या बोला जाता है scientific name? Canis lupus familiaris. Okay. काऊ को बोला जाता है बॉस टॉरस. हिबिस्कस को बोला जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस. एंड जोवार को यानी ज्वार को क्या बोला जाता है सोर्गम बायकलर. ओके सोर्गम बायकलर इस तरह से इसको बोला जाता है. कि डॉग यानी कुत्ते को बोला जाता है कैनिस फैमिलरिस. काऊ यानी गाय को बोला जाता है बॉस टॉरस. और हिबिस्कस यानी गुड़हल को बोला जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस. और ज्वार को बोला जाता है सोर्गम बायकलर. ओके और फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस इन क्लास. यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसी तरह से आपके आसपास पाए जाने वाले प्राणी तथा वनस्पतियों के साइंटिफिक नेम क्या है, इनको सर्च करो और अपने क्लास में आप अपने ग्रुप में इसकी चर्चा करो. यहाँ पे देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. 29th April इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे. 29 अप्रैल को वैश्विक मेंढक संरक्षण दिन करके मनाया जाता है. किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वन्यजीव कानून के अनुसार उन्हें
मारने और हानि पहुंचाने पर रोक लगाई गई है. दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 29th अप्रैल एज अ वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे. आई होप कि आपको समझ में आया है एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल एंड ईच एंड एवरी सिंगल सेंटेंस एंड वर्ड इन हिंदी कि आपको समझ में आने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो. सो आप ये रिवाइंड करके लेक्चर्स कितनी बार भी देख सकते हो, उसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं लगेगा. आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है यूट्यूब चैनल पे जाओ और ये सारे लेक्चर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देखो. इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते. फ्री ऑफ कॉस्ट में हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है, तो क्लास 7 का मैंने यूनिट 1 पढ़ा के ऑलरेडी अपलोड कर दिया. हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे चेक करो. एंड डिस्क्रिप्शन में अभी पार्ट 1 का लिंक मैं दे रही हूँ एंड पार्ट 2 का ये पार्ट 2 है. एंड पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 पढ़ लेना. पहले पार्ट 1 पढ़ लो फिर ये पार्ट 2, सो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी. मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग आवर इंग्लिश मास्टर चैनल एंड बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी. इन दिस COVID-19 सिचुएशन प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाई गवर्नमेंट. जितने भी रूल्स रेगुलेशन WHO और गवर्नमेंट हमारी बताती है सभी फॉलो कीजिएगा एंड खुद की केयर कीजिएगा, अपने फैमिली की केयर कीजिएगा. जल्दी ही मिलते हैं लेसन नंबर 2 में. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय.